ओके, लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट की थी और डिफरेंशिएशन के अंदर हमने बेसिक फॉर्मूलास किए थे जिसमें पहला फॉर्मूला पावर रूल था जो सबसे इंपॉर्टेंट था और उससे भी बेसिक फॉर्मूला क्या था, dx by dx is equal to 1। मैंने तीन चार क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, आप प्लीज एक बार चेक करना क्या आपने इन क्वेश्चन को ऐसे ही किया जैसे मैं कर रहा हूं, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। और आज हम और प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर और आज मैं जस्ट लाइव प्रैक्टिस इसी में यही क्लास में चलेगी और कुछ होमवर्क देंगे, तो आपको वो असाइनमेंट को सबमिट करना है और खुद घर पे ट्राई करना है और जो वो असाइनमेंट है उसके जो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं और जो क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं आज मैं वो सारी प्रैक्टिस करवा के भेजूंगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन डी बाय डी एक्स ऑफ, मेरा क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ एक्स, नहीं 1/x³। क्वेश्चन एक बार बोलना, ओके, क्वेश्चन वॉज 1/x³, ये क्वेश्चन था। तो आप लोगों ने इसको ऐसे करना था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को आप ऊपर लेके जा सकते हो तो क्या हो जाएगा -3, पहला स्टेप क्लियर है। फिर क्योंकि इसकी पावर कितनी है -3, तो पावर रूल लगेगा -3 एक्स रेस टू पावर -3 -1, और -3 पे हाथ रखेंगे तो क्या आएगा डीएक्स बाई डी एक्स, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो मेरे पास आंसर आएगा -3 x^(-4)। कोई डाउट इसमें, क्या सबने ऐसे किया, क्लियर है सबको? नहीं भी किया तो भी आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है। आप इसे चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां तक छोड़ देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, सबको क्लियर है। जो आपका सेकेंड क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन वॉज डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको डिफ्रेंशिएट करना था किसे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x - x, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कई लोग, अभी मैं देख रहा था कॉपी चेक कर रहा था, तो वो इसको ना ऐसे कर रहे हैं कि a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए किसी तरीके से, और मैं ये सोच रहा हूं कि इसकी जरूरत क्या करने की। आपको d by dx के आगे तीन टर्म्स दिखाई दे रही हैं, आप तीन टर्म्स के आगे प्लस और माइनस लगा हुआ है, आप क्यों नहीं ऐसे करते कि d by dx को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई प्लस d by dx को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई माइनस d by dx को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? मैंने सिखाया था अगर बीच में प्लस है बीच में माइनस है तो आप d by dx को मल्टीप्लाई कर सकते हो और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं उनसे आप ओपन कर सकते हो, कोई डाउट इसमें? तो आपने क्या किया, इन्हें ओपन कर दिया। तो ओपन करके d by dx ऑफ, चलो इसको बाद में सॉल्व करते हैं, इसको x स्क्वायर रहने देते हैं, d by dx ऑफ एक काम करते हैं x रेज टू पावर क्या करेंगे -1, क्योंकि 1/x है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें x रेज टू पावर -1 कर सकते हैं -dx/dx। तो ऑब्वियसली इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 2 × x^(1), क्योंकि पावर कितनी है 2 और x की पावर क्या हो गई 1। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो 2 × x^(1), मैं लिख नहीं रहा लेकिन अंडरस्टूड है कि dx/dx क्या होता है 1, प्लस पावर कितनी है -1, तो -1 को नीचे उतारो, एक्स की पावर -1 -1 जो कि क्या बन जाएगा -2, ये भी क्लियर है यहां तक? माइनस dx/dx तो स्ट्रेट वे क्या पुट कर सकते हैं 1, कोई डाउट इसमें? क्या ये सबने किया ऐसा? तो आप d by dx को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ जाएगी आपके पास, और इसका डिफरेंशिएशन बता दिया मैंने 2 × x^(1), इसकी -1 x^(-2, और dx/dx = 1। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है कि 2x को ऐसे ही माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -x^(-2) क्या हो जाएगा -2 -1, दिस इज द आंसर। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, क्या आंसर क्या लिखना है? कई लोग सोचते हैं कि सर यहीं तक छोड़ दें, सिंप्लीफाई कर दें, मेरे मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे,
मार्क्स तो तब कटेंगे जब ये क्वेश्चन या इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आपसे स्कूल में पूछेगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो फिर आप कह रहे हो जब पूछेगा ही नहीं तो फिर हम क्यों कर रहे हैं। मैंने बता दिया था लास्ट टाइम, इसके किए बिना फ्रिक्स ही नहीं चलेगी। तो ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ चेक करवाएगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रिक्स का वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस्ड होगा। तो क्लियर है यहां तक? तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप पावर रूल कैसे लगा रहे हैं, बस दैट्स इट। तो ये स्टेप भी क्लियर है, तो सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को तो हाथ खड़ा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई जल्दी नहीं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस सेवन, यही है ना, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब माइनस सेवन। तो आप इसे ओपन करें प्लीज, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ कितना, सेवन। तो डी बाय डी एक्स ऑफ सेवन, ठीक। तो अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें पावर रूल लगेगा। सबसे पहले इसमें पावर रूल कैसे लगेगा, इसकी पावर क्या है, थ्री। एक्स की पावर क्या हो जाएगी बोलो, टू। थ्री में से वन क्या क्या आया, टू। और कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, जीरो। तो ये क्या आएगा, जीरो। तो आंसर इज थ्री एक्स स्क्वायर। तो कितने लोगों का सही आ गया था ये, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? और कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, हमेशा जीरो। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? ठीक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में मेंशनड है कि d बाई डी एक्स ऑफ आपको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस सेवन प्लस सिक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स का स्क्वायर, देखो ये तो अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तो भी क्या नुकसान है, माइनस सेवन और सिक्स आपको ऐड करके क्या दे रहा है, माइनस वन। नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आप d by dx of 7 करोगे तो भी आंसर 0, और जब आप d by dx of 6 करोगे तो भी आंसर 0। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 0। तो आप ऐसा कर ले, इसे सॉल्व कर ले, सिंपल दो टर्म्स आ गई, तो क्या बनेगा, d by dx of 3x का स्क्वायर माइनस d by dx of क्या, 1। देखो देखते ही अपने मन में इसको तो उठा के क्या कर देना है, 0। कोई डाउट इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, मैंने एक रूल बताया था जाते हुए कि अगर एक कांस्टेंट है और साथ में क्या लगा हुआ है, कोई एक्स यानी कि वेरिएबल, और दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनमें से एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो मैंने क्या सिखाया था, कांस्टेंट क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो थ्री बाहर निकाल लो, क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स का स्क्वायर। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? तो 3 into x square में से 3 बाहर आ गया, तो क्या बचा, x square। तो अब finally 3 into power rule, इसकी power क्या है, 2। तो 2 x की power क्या हो जाएगी, 1। तो multiply करने पे आंसर क्या आएगा, 6x। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस, ठीक। कोई डाउट इसमें? आज हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग आज क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलास के ऊपर और प्लस कुछ नए फॉर्मूलास, एक या दो फॉर्मूलास और ऐड करेंगे, उसके बेस पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना हाथ आपका कैलकुलस में तेज चलेगा उतनी फिजिक्स आपकी तेज चलेगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप कैलकुलस को बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। आप एक और चैप्टर वेक्टर्स है, वेक्टर्स को ठीक तरह अंडरस्टैंड कर लें, आपको फिजिक्स में मार नहीं पड़ सकती कभी भी। तो ये कैलकुलस और वेक्टर दो टॉपिक में हमें कोई जल्दी नहीं है, कितना भी टाइम लगे हम इसमें जल्दी नहीं करेंगे, और आराम से जब तक हर स्टूडेंट को नहीं आएगा तब तक आराम से करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें अगर टाइम लगाया तो उतना ही टाइम मेरा अगले चैप्टर्स में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यूज तो यही होना है बार बार, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट ऑफ एक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है, यही क्वेश्चन है? तो वही सेम रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ
अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि बीच में टर्म क्या लगा हुआ है माइनस, तो आप डी बाई डी एक्स को फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितनी रहेगी हाफ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ इसमें एक्स की पावर कितनी रहेगी माइनस हाफ, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स नीचे है और जब ये एक्स ऊपर जाएगा तो ऊपर पावर क्या हो जाएगी माइनस हाफ। कोई डाउट इसमें? तो इसमें प्लस हाफ और इसमें माइनस हाफ, क्लियर है सबको? अब इसमें इसकी पावर रूल लगाएं, पावर कितनी है हाफ, एक्स की जो भी पावर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें कितना वन, और dx पर dx तो वन ही होता है बात ही खत्म। माइनस इसकी पावर कितनी है माइनस हाफ, इसकी पावर कितनी है माइनस हाफ, तो x की पावर माइनस हाफ क्या हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस हाफ इसको एज इट इज लगे रहने दें, पावर कितनी है माइनस हाफ, x की जितनी भी पावर है माइनस हाफ उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें वन। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? बस हो गया काम, इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, हाफ x की पावर कितनी माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस x की पावर कितनी माइनस थ्री बाई टू, यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या आपको यहां तक के स्टेप्स क्लियर हैं? चेक कर लें प्लीज, कोई डाउट इसमें इन स्टेप्स में? ठीक है यहां तक? तो आपको बेसिक रूल पावर रूल लगाना आ रहा है, तो आज हम पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं जितना भी हमने काम किया, फिर नए फॉर्मूलाज अपने आप ठीक हो जाएंगे जबकि पुराने फॉर्मूलाज का हाथ तेज चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। यही क्वेश्चन थे ना हमारे पास, और तो क्वेश्चन था, यही होमवर्क था ना? ठीक है, तो लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको कैलकुलेट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री बाय एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ टी सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ फोर पाई अंडर रूट ऑफ एक्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यही इसकी प्रॉब्लम है। आप क्या करेंगे, इससे पहले मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे थ्री बाय एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे वन। क्या ये स्टेप सबने किया, सबने कर लिया ये? ओके, नेक्स्ट है इसमें कॉन्स्टेंट क्या है थ्री और अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक काम करें थ्री को बाहर कॉमन कर निकाल लेते, बाहर निकाल लो क्योंकि कॉन्स्टेंट बाहर आ सकते हैं। तो क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस टू, क्या ये स्टेप क्लियर है? क्योंकि थ्री जब बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा वन बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स जब ऊपर जाएगा तो रेज टू पावर क्या हो जाएगा माइनस टू। कोई डाउट इसमें? क्लियर है सबको? माइनस डी एक्स बाई डी एक्स, वैसे इसकी वैल्यू को वन भी लिख सकते हैं, चलो इसको तो छोड़ ही दो क्योंकि इसका आंसर स्ट्रेट वे क्या आएगा जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है जीरो। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट स्टेप में थ्री इंटू पावर रूल, इसकी पावर क्या है माइनस टू,
एक्स की पावर एक कम माइनस टू माइनस वन यानी कि माइनस थ्री माइनस डीएक्स बाई डीएक्स क्या है वन, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस सिक्स एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री माइनस वन, दिस इज द आंसर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि इन स्टेप्स को कैसे करना है, समझ में आ रहा है यहां तक? किसी को कोई डाउट इन स्टेप्स में पूछ सकते हैं? स्टेप थ्री बाय एक्स ओके तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये वाला देखो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है? इसमें प्रॉब्लम है, देखो इसके अंदर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो d बाई डी एक्स ऑफ, मुझे एक बात बताओ अगर 3 एक्स स्क्वायर होता तो क्या करते, 3 बाहर लेते ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या बचता एक्स स्क्वायर। मेरे क्वेश्चन में क्या है d बाई डी एक्स ऑफ 3 बाई एक्स स्क्वायर यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ, अपने मन में सोचो 3 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, अब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं और 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ गया तो क्या बचा d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स जब ऊपर जाएगा रेस टू पावर माइनस 2, तो मैंने एक ही स्टेप में कर दिया रेस टू पावर माइनस 2, फिर मैंने पावर रूल लगा लिया माइनस 2 नीचे 3 इंटू माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1 क्या आएगा माइनस 3 और dx by dx स्ट्रेट वे क्या होता है 1 और ये तो बिल्कुल 0 आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक, ओके फिर और करते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो और प्रॉब्लम करते हैं इसमें से, ये देखो तो क्वेश्चन है 4 by under root of x, ठीक है? अब जब 4 by under root of x है आप अपने मन में ऐसा सोच सकते हैं कि d by dx of, इसको ऐसे लिखे मन में 4 into 1 by under root of x, एक ही बात है, एक ही बात है, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनमें से एक क्या है कांस्टेंट, एक क्या है x वेरिएबल, और क्या रूल सिखाया था जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो कांस्टेंट बाहर आ गया तो क्या बचा d by dx of 1 by under root of x। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट 4 into d by dx of, जब मैं x को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा रेस टू पावर माइनस हाफ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब हाफ, और जब x ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में तो क्या आएगा x रेस टू पावर माइनस हाफ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है यहां तक। फाइनल स्टेप 4 इंटू पावर रूल, पावर क्या है माइनस हाफ एक्स की पावर एक कम माइनस हाफ माइनस वन, ऐसे करते हैं ना पावर नीचे एक्स की पावर एक कम, तो क्या आएगा आंसर इसे मल्टीप्लाई करके माइनस टू एक्स रेस टू पावर कितना माइनस 3/2, कोई डाउट इसमें? तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, किसी भी स्टेप में किसी को कोई डाउट? ठीक है तो यहां तक तो क्लियर है, और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, पावर नीचे पावर कितनी है माइनस हाफ एक्स की पावर एक कम तो माइनस हाफ माइनस वन, तो क्या हो जाएगा माइनस 3/2, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ठीक है मैं यही कह रहा था, देखो हम आगे नहीं बढ़ रहे, आगे कैसे बढ़ेंगे क्योंकि अगले फॉर्मूले में पिछले फॉर्मूला यूज होंगे, तो आपके कम से कम 5-7 न्यूमेरिकल हाथ से निकलने चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि बेसिक बेसिक प्रॉब्लम में से हो रही हैं, फिर आपका हाथ तेज चलेगा। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है देखो डी बाय डी टी ऑफ, डी बाय डी टी ऑफ 7 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन बाय, सॉरी एक मिनट, वेट वेट वेट, यहां पे मुझे टी लेना पड़ेगा, एक मिनट, ये लो टी माइनस वन बाय टी का क्यूब। अब मैंने एक्स की जगह डिफरेंशिएशन किसमें करनी शुरू कर दी, टी में, आपको क्या फर्क पड़ता है, अगर एक्स में चलती तो एक्स में आंसर, टी में चलती तो टी में आंसर कर लो,
अब करो स्टार्ट। तो आपने ओपन करना है इसे, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल करते हैं इसे ओपन करना है। तो d बाय डी टी ऑफ 7 इंटू अंडर रूट ऑफ टी माइनस d बाय डी टी ऑफ 1 बाय टी का क्यूब, क्या स्टेप क्लियर है? ऐसे किया सबने। नेक्स्ट 7 कांस्टेंट बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया, तो क्या बचा? d बाय डी टी ऑफ अंडर रूट ऑफ टी, और यहां से d बाय डी टी ऑफ टी रेस टू पावर माइनस 3। कोई डाउट इसमें? टी क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे, रेस टू पावर माइनस 3। क्लियर है ये स्टेप? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट 7 इंटू डी बाय डी टी ऑफ, यहां पर टी की पावर कितनी है बोलो? हाफ, हाफ है ये पावर, हाफ है, और यहां पे टी की पावर कितनी है? माइनस 3। अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पावर रूल, अब मैं लगाने के लिए तैयार हूं। पावर रूल लगाएं इसमें, तो पावर रूल के अकॉर्डिंगली इसमें जब मैं यहां पर रूल लगाऊंगा तो 7 इंटू पावर कितनी है बोलो? हाफ, तो टी की पावर एक कम हो जाएगी, हाफ माइनस 1। ऐसे करेंगे तो हाफ नीचे, टी की पावर हाफ माइनस 1 माइनस पावर कितनी है? माइनस 3, टी की पावर माइनस 3 माइनस 1। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? तो इसकी जो पावर है वो हाफ है, टी की पावर हाफ माइनस 1, इसकी जो पावर वो माइनस 3 है, तो टी की पावर माइनस 3 माइनस 1, एक एक पावर कम कर दी। तो सिंप्लीफाई किया, ये क्या आएगा? 7 बाई 2 टी रेस टू पावर कितना आएगा? माइनस हाफ, हाफ माइनस 1 क्या होता है? माइनस हाफ, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो टी की पावर क्या आएगी? माइनस 4। आंसर यहां तक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है यहां तक? तो आपको एक चीज नोट की आपने, मेरा जो मेन फोकस है वो पावर रूल लगाने में ज्यादा है। मैं आपको अलग देखो कर तो मैं कुछ भी नहीं रहा, प्लस माइनस तो चेंज कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो आप पावर रूल लगाएं ना उसमें आप टाइम ना लगाएं और फटाफट आपको पता लग जाए कि कैसे फटाफट पावर लगा के आपका हाथ तेज चल जाए। बस ये मेरा मेन मोटिव है। रूल तो सबको पता है क्या लगाना है, बस मेरा मेन मोटिव है कि आप स्पीड कैसे इंक्रीज करेंगे इस रूल को लगाने की, दैट्स इट। क्योंकि एक बार इसकी स्पीड बढ़ गई तो आप ये लगा के चलो कि आपकी डिफरेंशिएशन आधी तो अभी खत्म हो गई, आधी छोड़ो 80% डिफरेंशिएशन अभी के अभी पावर रूल से खत्म हो जाएगी, बस बाकी तो फॉर्मूला है, कुछ करना ही नहीं है उसके अंदर। क्लियर है यहां तक? तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, राइट? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लिखें डी बाय डी वाई ऑफ y raised to power 1 by 7 minus 3y ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, तो आप इसे ओपन जरूर करें। डी बाय डी वाई ऑफ वाई रेस टू पावर 1 बाय 7 माइनस डी बाय डी वाई ऑफ कितना? 3y। क्लियर है यहां तक? ऐसे करेंगे, राइट? नेक्स्ट, तो इसकी इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी बाय डी वाई ऑफ वाई रेस टू पावर 1 बाई 7 माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, ओ यहां पे टी लिख दिया मैंने गलती, सॉरी यहां पे मुझे y लिखना चाहिए, राइट? ये y है,
ठीक डी वाई, तो थ्री बाहर आ गया, तो मेरे पास क्या बचा डी वाई बाय डी वाई। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? सबने किया। पावर रूल लगा दें, वन बाय सेवन वाई रेज टू पावर वन बाय सेवन माइनस वन, पावर रूल यही है। पावर नीचे आ गई और पावर कितनी है इसकी, वन बाय सेवन वाई रेज टू पावर क्या हो गया वन बाय सेवन माइनस वन, माइनस थ्री डी वाई बाय डी वाई क्या होगा बोलो वन, तो ये तो वन कर दें। ठीक यहां तक? तो जब आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, वन बाय सेवन वाई रेज टू पावर कितना माइनस सिक्स बाय सेवन माइनस थ्री, यहां तक छोड़ दे, डन, क्लियर है। तो क्या यहां तक ये पॉइंट सबको क्लियर है कि पावर रूल कैसे लग रहे हैं? ठीक है, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता हूं, जो फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या डी बाई डी वाई डी एक्स डी वाई डी टी करे जा रहे हैं, क्या मतलब इससे हम क्या करने क्या वाले हैं, इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करो आपके पास एक कार है, फिजिक्स की प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल ऐसी आएगी आने वाले टाइम में, ऐसे चलेगा मोशन। एक कार है और वो कार मूव कर रही है, सच दैट ये कार जो मूव करती है ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, कहां से रेफरेंस पॉइंट, कहां से ओरिजिन, तो ओरिजिन से इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज होगा, ओरिजिन से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। क्लियर है यहां तक? अब नॉर्मली हमने जितने भी क्वेश्चन आज तक किए है ना, चाहे नाइन्थ में किए टेंथ में किए, तो हमें यू पता होता है वी पता होता है या एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है। अब प्रॉब्लम ऐसे आएगी कि ये कार एक्स डिस्टेंस कवर कर रही है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कैसे, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। अब कहते हैं ये कैसी डिस्प्लेसमेंट है, आप अपने हाथ में एक स्टॉप वॉच लेके खड़े हो जाओ, स्टॉप वॉच में जब टाइम जीरो है तो उस टाइम आप टी में जीरो पुट करो तो एक्स क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस वन, एक्स क्या आएगा वन, तो आपको टाइम टी इक्वल टू जीरो पे एक्स की वैल्यू पता लग गई वन। अच्छा आप टाइम को टू पुट करो तो यहां पर क्या आएगा, टू का स्क्वायर प्लस टू प्लस वन, तो एक्स चेंज हो गया, अच्छा आप सेवन, ओके। आप एक काम करो टाइम को थ्री सेकंड में चेक करो, जब थ्री पुट करोगे तो थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन, ठीक है थर्टीन, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स चेंज हो गया। आप फोर पुट करो, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये एक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम टी पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आपके गाड़ी में स्टॉपवॉच में टाइम बढ़ता जा रहा है, आपकी गाड़ी की एक्स का कोऑर्डिनेट भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि गाड़ी टाइम के साथ अपनी एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रही है। मानते हो ये चीज, कोई डाउट इसमें? तो मैथ्स में इसको ऐसे बोलते हैं कि एक्स डिपेंड्स अपॉन टी, साफ पता लग रहा है एक्स डिपेंड्स अपॉन टी, कोई डाउट नहीं इसमें। या फिर एक और टर्म, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, तो मैथ्स में बोलते हैं जो एक्स है डिपेंड्स, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन टाइम, या फिर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। तो कभी कभी मैथ्स में लिखते हैं एक्स के ब्रैकेट में टी, मतलब फिजिक्स वाले लोग ये भी नहीं लिखते कि ऐसा नहीं बोलते बच्चे को समझाने के लिए, देखा एक्स टाइम पे डिपेंडेंट है, ये देख एक्स टाइम पे डिपेंडेंट है, वो ऐसा भी नहीं लिखते कि एक्स डिपेंड्स अपॉन टाइम, वो ऐसा भी नहीं लिखते एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो एक सिर्फ इतना सा लिखते हैं एक्स के ब्रैकेट में टी। इसका मतलब फिजिक्स के लोग समझ जाते हैं कि एक्स डिपेंड्स अपॉन टी, तो एक्स के ब्रैकेट में टी का मतलब होता है एक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टी पे डिपेंडेंट है। समझ में आया यहां तक, ये टर्म समझ में आ रही है? तो कभी कभी आप देखेंगे आपकी बुक्स में ऐसे लिखा होगा एक्स के ब्रैकेट में टी, आप समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है, एक्स की, और ब्रैकेट में टी का मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई बाय टी है, नहीं नहीं, ब्रैकेट में टी ये बताता है कि एक्स डिपेंड्स अपॉन टी, यानी कि जो फॉर्मूला मैं बनाऊंगा एक्स का उसमें टाइम टी जरूर आएगा। तो जैसे मैंने फॉर्मूला बनाया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, तो मैं बोल सकता हूं कि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी। मैं जस्ट टर्म बता रहा हूं कि ऐसे बोला जाता है,
तो क्या ये पॉइंट समझ में आया कि x इज अ फंक्शन ऑफ t का मतलब एग्जैक्टली क्या है, कि x किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम t पे डिपेंडेंट है, यानी कि x का जो भी फॉर्मूला आएगा उसमें टाइम t जरूर आएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो मेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम यह है कि सपोज एक कार और एक कार x डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है x ही बढ़ता जा रहा है, तो आप मुझे क्या बताएंगे इस कार की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? अब अगर मैं बोलता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बोलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी एक्स बाय डी टी, याद आ गया, डी एक्स बाय डी टी। यानी कि अगर मैं यहां पर x की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं और इसे डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास कोई क्या आएगा आंसर, और वो आंसर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या हुआ? dx by dt। एक काम करते हैं, यानी कि dx by dt का मतलब क्या होता है? dx by dt का ये मतलब होता है कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकाल रहे हो, x, और x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, कितना, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? कुछ नहीं किया, x मुझे टाइम के फॉर्म में गिवन था और मुझे जो डिफरेंशिएशन है वो भी टाइम के हिसाब से करनी है। तो यहां पर मैंने क्या पुट कर दिया, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, और इसे ओपन किया कैसे, d बाय dt ऑफ फर्स्ट टर्म t स्क्वायर प्लस d बाय dt ऑफ सेकंड टर्म t प्लस d by dt of first term, third term, 1। ये तो आपको आता है, ये तो आपका अपना क्वेश्चन बन गया पावर रूल्स। तो यहां पर ये वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, कौन सी वेलोसिटी निकल रही है, इंस्टेंटेनियस। तो डिफरेंशिएट करें, 2 नीचे एक पावर कम, dt by dt क्या होता है 1, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या है 0। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, 2t प्लस 1। कोई डाउट इसमें? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो जो हमारा वो एग्जांपल हम लास्ट लेक्चर में करके फंस गए थे, हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको पिक्चर समझ में आ रही है? अब फिजिक्स ऐसे चलेगी, अब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, आप टाइम की वैल्यू 1 सेकंड पुट करो, देखो वेलोसिटी क्या आ रही है, 2 × 1 + 1 = 3 m/s, आप टाइम की वैल्यू 2 पुट करो, 2 × 2 = 4 + 1 = 5 m/s, आप 3 पुट करो चेंज आंसर 5, 7 पुट करो 10। बोलो किस कौन से टाइम पे आपको वेलोसिटी चाहिए? आप बोलते हो मेरे को टाइम t = 12 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, आप समय को 12 पुट करो उसी टाइम वेलोसिटी आएगी। इसी को तो क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हर टाइम पे डिफरेंट वैल्यू रखेगी, और टाइम की वैल्यू पुट करते जाओ v निकालते जाओ। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया कि आपकी जो फिजिक्स की प्रॉब्लम रुक गई थी वो कैलकुलस ने कैसे सही की। समझ में आया यहां तक? तो नोट भी कर सकते हो, ये दिस इज दी मेथड टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं जब चैप्टर मोशन करवाऊंगा तो उसमें पता है क्या करूंगा, उसके अंदर ये चेंज करता जाऊंगा, एक्स कभी टी स्क्वायर कर दूंगा, टी क्यूब कर दूंगा, कुछ भी चेंज, और आपसे क्या पूछता जाऊंगा, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप मुझे क्या करके दोगे, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, क्योंकि x को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तभी जो वेलोसिटी आएगी इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आइडिया क्लियर है हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है यहां तक? तो आइडिया क्लियर है? तो मैं जो मोशन चैप्टर हम करेंगे उसमें x चेंज कर करके दूंगा, बस आप डिफरेंशिएट करके v की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालते जाना आंसर। तो मतलब कि मैं साथ साथ जो डिफरेंशिएशन के साथ साथ कुछ कुछ मोशन का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बताता जा रहा हूं। तो जब चैप्टर मोशन आएगा तो आपको इजी लगेगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ पार्ट यहां से कर चुके होंगे, तो आपका वो जो चैप्टर है वो एकदम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी उसमें, और अंडरस्टैंडिंग में तो आप समझ ही रहे हो उस चीज को। तो क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। तो हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आ गया, जबकि एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकलती नहीं है। एवरेज वेलोसिटी बहुत सिंपल है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो उसमें टी का चक्कर ही नहीं है, वो तो क्या करता है, वो कहता है भाई टोटल जर्नी बता दो कितने मीटर की है, टोटल समय बताओ कितना लगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करोगे, डन आंसर क्लोज। ठीक है यहां तक?
पर आपके क्वेश्चन किस पे चलेंगे? इंस्टेंटेनियस पे। तो इंस्टेंटेनियस में क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना। ठीक है यहां तक? तो ये स्टेप सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक। तो हमने जितने भी फॉर्मूलाज किए उन फॉर्मूलाज में आपने नोट किया कि पावर रूल ही लग रहा है। देखा आपने, पावर रूल लग रहा है। अब हम एक नया फॉर्मूला करते हैं ताकि थोड़ा आगे भी बढ़े। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो प्लीज, नेक्स्ट फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ, जब दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। हमने डी बाय डी एक्स ऑफ यू प्लस वी किया, अगर यहां पर सिंबल क्या होता? प्लस, तब क्या करते? डी बाय डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वी, डी बाय डी एक्स को दोनों से क्या कर देते? मल्टीप्लाई, डन। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा भी तो कर सकते हैं, लिखना मत प्लीज, डी बाय डी एक्स ऑफ यू इन टू डी बाय डी एक्स ऑफ वी, ऐसा भी, क्योंकि जब प्लस में ये रूल चलता है तो मल्टीप्लाई के अंदर भी तो ये रूल चलेगा। नहीं, ये फॉर्मूला गलत है। तो जब आप दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और बाहर क्या लगा होता है? डी बाई डी एक्स, तो आप डी बाई डी एक्स को यू और वी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जबकि जब साइन प्लस लगा होता था तो आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, माइनस के अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो प्लीज फॉर्मूला लिखें, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इन टू वी, अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लें, कुछ ना करें, जो यू है एज इट इज लिख लें, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ वी, यू को एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस, अब वी को एज इट इज लिख लें, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ यू। तो ये क्या बना इसका फॉर्मूला? तो प्लीज इस फॉर्मूले को नोट करें, मैं इसको यूज करना सिखाता हूं, ये यूज करना कैसे है, राइट? ठीक है यहां तक? तो करें स्टार्ट। देखो इस फॉर्मूले को अगर आपने यूज करना है तो एक पॉइंट को समझे, मैं एक एग्जांपल लूंगा, आप प्लीज उस एग्जांपल को बड़े ध्यान से देखना, ठीक, कैसे यूज करना है। डी बाय डी एक्स ऑफ, जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर इन टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इन टू एक्स, राइट? तो दो टर्म आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो कोई कहता सर इस एक्स को इस एक्स से काट दो, नहीं नहीं, मैंने काटने को मना किया था, डिफरेंशिएशन में ऐसे कट नहीं होता डी बाई डी एक्स, ये तो मानते हो। फिर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि क्यों ना ऐसा करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इन टू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स का क्यूब कर दो। हाँ मैं एग्री करता हूं, एक्स स्क्वेयर इन टू जो एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या देगा आपको? एक्स का क्यूब देगा, सही है, गलत नहीं है। तो जब आप इसमें एक्स क्यूब करेंगे और पावर रूल लगाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 3x square। कोई डाउट इसमें? तो ये रहा आपका मेथड नंबर 1, और इस मेथड में कोई गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो आप कहोगे फिर ये इतना बड़ा फॉर्मूला किस लिए? बताता हूं फॉर्मूला किस लिए। मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं बाय मेथड नंबर 2, ठीक है? मेथड 2 क्या है? मेथड 2 एक बार पहले ध्यान से देख लो फिर लिख लेना। सेम क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा इन दोनों को बिना मल्टीप्लाई किए। आप कहोगे सर फिर वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको प्रूव कर सकूं कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, ये दो टर्म्स हैं, अपने मन में मानूंगा कि फर्स्ट टर्म अपने मन में क्या मानूंगा? U, और सेकंड टर्म को क्या मानूंगा? V। तो पहली टर्म U, सेकंड टर्म V, और रूल क्या बताया था कि पहले U यानी कि फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लो, ये लो फर्स्ट टर्म को मैंने एज इट इज लिख लिया, कुछ नहीं किया, इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है? एक्स। ये रूल था, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म को एज इट इज लिख लो,
और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो कुछ नहीं किया, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक बार इसको एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इनटू, बोलो डीएक्स बाय डीएक्स क्या होता है, वन, एक्स इनटू इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, टू इंटू एक्स की पावर वन, है ना, पावर रूल लगाया मैंने इसमें, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो वो तो मुझे पहले ही पता थ्री एक्स स्क्वायर। तो आप कहोगे फिर ये ज्यादा ठीक नहीं है, मन में यही आ रहा होगा ये ज्यादा बढ़िया नहीं है। हाँ ये है बढ़िया, ये तो मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको प्रूव कर पाऊं कि मेरा फॉर्मूला एकदम सही आंसर देता है। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि तो फिर इससे कर लिया करें, हाँ बिल्कुल कर लो इससे, मैंने मना नहीं किया, पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे देने वाला हूं जिसमें आप दो टर्म को मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे और आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा यू इंटू वी का। तो प्लीज इसे नोट कर लें, अब हम इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, इसे नोट कर लें, कोई स्टेप में डाउट है तो स्टेप पूछ लें। टू देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ दो टर्म्स हैं, सेम क्वेश्चन है, इसको अपने मन में मान लो U, इसको मान लो V, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म को एज इट इज लिख लो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, इसमें d by dx लगाई नहीं हुआ तो ये तो x square रहेगा, dx by dx क्या है 1, x को x लिख लिया और ये क्या हुआ 2 into x की पावर 1, तो 2x into x क्या बनेगा 2x square, 2x square plus x square क्या बनेगा 3x square, तो आंसर क्या आ गया exactly same। तो मैं अब ये चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूला की प्रैक्टिस करें, तो आप प्लीज एग्जाम्पल सॉल्व करें, d by dx of, मान लो क्वेश्चन है x into x raised to power 4, देखो ये मेरे को भी पता है कि मैं मेथड नंबर 1 में x और x raised to power 4 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा x की पावर 5, मन में कैलकुलेट करो, बोलो फाइनल आंसर क्या आएगा 5 into x की पावर 4, नहीं लगाना पावर रूल, इसको u और v से प्लीज प्रूव करो, u और v से करना प्लीज, पहली टर्म को u मानना, सेकंड टर्म को v मानना। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को अपने मन में u और सेकंड टर्म को v, तो आप क्या करेंगे x फर्स्ट टर्म बाहर इनटू d बाय dx ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म बाहर इनटू d बाय dx ऑफ फर्स्ट टर्म। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है ना यहां तक, तो यहां पर x इनटू इसकी पावर क्या है 4, क्या पावर हो जाएगी 3, 4 इनटू x की पावर 3 प्लस
x raise to power 4, dx by dx क्या है 1, तो 4x की power 4 plus x की power 4, तो 4x 4 plus x 4 will give 5 x raise to power 4, तो answer तो हमने already calculate कर ही लिया था, तो अगर आप सोचे कि अगर paper में आया मैं क्या करूँगा, कौन पूछ रहा है paper में आया, paper में आना ही नहीं, तो अब फिर method 1 ही कर लेंगे, हाँ तो कर लो method number 1, मैं तो मना ही नहीं किया, लेकिन मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें मेथड वन थोड़े टाइम के बाद आधे घंटे के बाद नहीं लग पाएगा, फिर आपको यू इनटू वी लगाना ही पड़ेगा, दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, पर यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ओके, एक और क्वेश्चन करना प्लीज, यहां तक क्लियर है, देख लो, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, डी बाय डी एक्स ऑफ, राइट, ये क्वेश्चन है, 5 × x^4, अरे आप कहोगे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 5 कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, तो 5 आ जाएगा बाहर, और किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, x की पावर 4 की, एक लाइन का आंसर है, सही, 20x^3, 20 × x^3 आंसर है, ओके डन, ओके नहीं करना है इससे, u into v से करो, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें तो u into v लग सकता है ना, तो इस टर्म को u मानो, इस टर्म को v मानो, लगा के देखना जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 को u मान लो, x की पावर 4 को v मान लो, कैलकुलेट करो, u into v, इसमें ऐसे कर सकते हैं, d by dx of 5 × x^4, ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि आप अपने मन में इसको मान लो u और इसको मान लो v, दो टर्म्स है ना, तो u और v एक कांस्टेंट, तो क्या हो गया, होने दो, तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म बाहर, into d by dx of सेकेंड टर्म इज x^4, फिर x की पावर 4 बाहर into d by dx of constant कितना है 5, क्या ये step clear है, एक बार first term बाहर differentiation of second term बाहर differentiation of first term, ये तो देखते ही पता लग रहा है answer क्या है 0, तो ये term तो बिल्कुल खत्म, तो ये पूरे का पूरा answer क्या देगी 0, यहाँ पे 5 × 4 × x^3, आपको ऐसा feel नहीं हो रहा, ये तो unnecessary किया, अगर मैं सीधा 5 वैसे ही कांस्टेंट निकाल लेता तो भी मेरा आंसर तो सेम ही आना था, तो ये तो मैं सिर्फ फॉर्मूला वेरीफाई करवा रहा हूं, और अगर आप गलती से इसके अंदर u into v लगा बैठे तो भी आंसर में कोई गलती नहीं होने वाली, हाँ अच्छी बात है अगर आप 5 कांस्टेंट बाहर निकाल गए तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्या होगा ज्यादा ज्यादा आप 5 कांस्टेंट नहीं निकाल पाओगे, आप भूल गए कांस्टेंट निकालना, तो u into v लगा लेना तो भी आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है, तो u into v लगाना आ रहा है कि कैसे u into v लगेगा, ठीक है, यहां तक u into v के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी नहीं बनेंगी, अभी करके दिखाऊंगा कुछ टाइम के बाद बनेंगी, लेकिन उससे पहले एक और फॉर्मूला नोट करेंगे, और वो फॉर्मूला है नेक्स्ट फॉर्मूला, डिफरेंसिएशन ऑफ d by dx ऑफ u डिवाइडेड बाई v, देखो हमने एडिशन किया, हमने माइनस किया, हमने मल्टीप्लाई किया, और लास्ट अब हम क्या करेंगे डिवाइड, अगर प्लस और माइनस है तो d by dx मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई नहीं करते फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर डिवाइड हो रहा है और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि d by dx ऑफ न्यूमिनेटर एंड d by dx ऑफ डिनोमिनेटर, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, नहीं है तो नहीं लगाना ऐसे, तो फिर क्या लगाना है, इसका फॉर्मूला नोट करते हैं, इसका फॉर्मूला चेक करते हैं, देखो क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला जरा ध्यान से देखना, ये क्या है u न्यूमिनेटर, v क्या है डिनोमिनेटर, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर से नहीं डिनोमिनेटर से, तो क्या करेंगे पहले देखना है आपने फिर लिखना है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है v, v डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, तो आपने क्या लिख दिया v इनटू into differentiation of numerator, multiply वाला formula जैसा लग रहा है कि denominator
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस, पहले लगाते थे प्लस पिछले फॉर्मूले में, अब क्या लगाते हैं माइनस, माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, उल्टा हो गया ना, तो क्या किया पहले डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, अभी रुका नहीं है, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये एंड में एक और करना पड़ता है, इसमें थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, तो क्या किया डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सिर्फ ये फॉर्मूला लिखो, मैं यूज कैसे करना है इसकी प्रैक्टिस आज हम करेंगे, फॉर्मूला लिखो एक बार, डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं फिर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना है, हाँ कर सकते हैं, उससे भी आएगा आ जाएगा, हाँ वी की हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा जल्दी होएगा फॉर्मूला, उसको तोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, ये ठीक है जैसे मर्जी कर लो, कर सकते हैं ठीक, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, जैसे एग्जाम्पल लगा के दिखाते हैं फिर समझ में आएगा, देखो तो इसमें इस एग्जाम्पल में जैसे सपोज एग्जाम्पल है d by dx of x square divided by x, आपको कहिए ये तो आसान है, मैंने पूछा कैसे, आपको कहिए x square में x तो पता ही होता है क्या है x, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं d by dx of simply यहां पर x और dx by dx क्या होता है, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपका मेथड नंबर क्या है वन, इजी मेथड, लेकिन मुझे ऐसे करना ही नहीं है, मेरे को कैसे करवाना है, मेरे को ये फॉर्मूले से करवाना है राइट, तो एक काम करते हैं इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं मेथड नंबर टू, फिर से एक बार d बाय डी एक्स ऑफ क्या करना है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो मुझे किसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये क्वेश्चन है मेरा, और मैं इसको इस तरीके से नहीं करना चाह रहा, u बाय v का फॉर्मूला करना चाह रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्यों करूं मैं तो ऐसे कर लूंगा, तो ऐसे कर लेना, मैंने मना नहीं किया, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दूंगा आप कर नहीं पाएंगे सिंप्लीफाई, तो मैं सिर्फ फॉर्मूले की वेरिफिकेशन करना चाह रहा हूं, और मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस केस में इमेजिन करें कि ये वाली टर्म आपकी क्या है, इमेजिन करें यू, और ये वाली टर्म क्या है वी, क्या स्टेप क्लियर है, तो ऊपर वाली टर्म यू नीचे वाली टर्म वी, ठीक है तो स्टार्ट करें, तो हम एक काम करते हैं स्टार्ट विद, कहां से स्टार्ट करने को कहा था डिनोमिनेटर, ओके ये देखो, तो इसमें स्टार्ट विद डिनोमिनेटर, इसको तो छोड़ देते हैं, तो डिनोमिनेटर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्या ये स्टेप क्लियर है, फिर से देखो, पहले डिनोमिनेटर वी, सॉरी वी का मतलब एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे एक्स पावर रूल, बोलो इसकी पावर रूल क्या लगेगा टू, इसकी पावर क्या है 2, तो 2 इंटू एक्स की पावर कितनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बाय dx क्या होता है 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करना प्लीज, ये क्या टर्म है, ये आपके पास आएगी 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आंसर इज, अरे आंसर तो पहले ही पता है 1 है, आंसर तो पता ही है 1 है, अगर 1 ना आया फिर हमें टेंशन है कि फॉर्मूला गलत हो गया, आंसर तो 1 है पर लगाना कैसी है, ये समझ में आया कि इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा स्टेप ज्यादा लंबा है ना, पहले माइनस करो फिर ये सबसे अजीब है यार, बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं जिसने बनाया करना पड़ेगा, तो पॉइंट समझ में आया यहां तक, तो हमने कुछ नहीं करना 15-20 मिनट, बस ये फॉर्मूला लगाना है और कोई काम नहीं है आज के लेक्चर में, बस ये अगर लग गया फॉर्मूला तो बात बन गई, फिर आगे डिफरेंशिएशन कोई मुश्किल नहीं है, तो हम आगे चलेंगे ही नहीं जब तक ये फॉर्मूला सबका क्लियर नहीं हो जाता, तो करें स्टार्ट ठीक, तो आप वेरीफाई करोगे फॉर्मूला,
तो आपका क्वेश्चन है, मैं मिटा दूं इसे, लिख रही हूं भी? ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? यस ओके ठीक है। चले करें, देखो क्वेश्चन इज एग्जांपल, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर 4 बाय एक्स रेस टू पावर स्क्वायर, ये लो एक्स स्क्वायर, इसको करना है। हाँ मुझे पता है आप इसे कट कर सकते हो, कट करके क्या आएगा, एक्स की पावर 2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 1, 2x आना चाहिए, करो, लेकिन यू बाई वी के फॉर्मुले से करना है, इसको करना u by v के फॉर्मूले से है, तो आप इसे क्या मानेंगे, u, डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे, v। अब करें सॉल्व, ट्राई करें, देखो बोलो ठीक है। देखो तो आपने क्या किया, डिनोमिनेटर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या इस स्टेप को क्लियर है? ठीक है ठीक। तो इसमें एक्स स्क्वायर इंटू, देखो इसमें पावर रूल लगेगा, पावर क्या है 4, एक पावर कम 3, हाँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी आएगा, राइट सही कह रहे हो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 आएगा राइट। तो माइनस एक्स की पावर 4 इंटू पावर रूल 2 इंटू एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू एक्स की पावर कितनी 5 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर कितनी 5 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, तो ये टर्म कैंसिल होकर क्या आएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1। देखो आंसर तो पहले से ही पता था, बट प्रॉब्लम ये है कि क्या आपको u बाई वी का फॉर्मूला लगाना आ रहा है? प्रॉब्लम यह है कि आप u बाई वी आइडेंटिफाई कर रहे हो कि क्या u क्या v और उसको कैसे स्टार्ट करना है और कैसे खत्म करना है। तो आज अब हम कुछ नहीं करेंगे, u by v की प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे की डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस ये लास्ट फॉर्मूला है जहां तक मैं समझता हूं, जहां आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, आगे की डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, मतलब ये ऑलमोस्ट खत्म मानी जाएगी अगर आपको u by v लगाना आ गया, दैट्स इट। ठीक है यहां तक, तो करें स्टार्ट। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप नोट करें, इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लो कर लो सिंप्लीफाई, जो करना है होएगा ही नहीं, लगाओ u बाई वी, बोला था ना सिंप्लीफाई कर नहीं पाओगे। उठा के पूरा न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा डिनोमिनेटर,
ये लो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने ऐसे किया होगा, इसको क्या माना होगा यू, इसको क्या माना होगा वी। तो स्टार्ट विद डिनोमिनेटर वी, तो वी स्टार्ट करें तो वन प्लस एक्स का स्क्वायर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये पहला स्टेप आ गया, तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसके बाद ये स्टेप अगर लगाना आ गया तो अब ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, मतलब ये तो सिंपल वही क्वेश्चन बन गया ना जो हम इसे पहले कर रहे थे। तो यानी कि इस मेन क्वेश्चन के अंदर पुराने क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए। कैसे? ये देखो, वन प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि क्या आएगा 2x आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है प्लस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? चेक करो ये स्टेप सबको क्लियर है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि पावर रूल लगाने पुराने फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेप तो कर लोगे लेकिन ये स्टेप करने के लिए पुराने क्वेश्चंस काम आ रहे हैं। तो देख रहे हो कि कैसे पुराने फॉर्मूलाज बीच बीच में काम आते जा रहे हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसमें जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इनटू, इसकी डिफरेंशिएशन बोलो 2 इनटू एक्स की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, इसकी डिफरेंशिएशन 0 और इसकी कितनी 2 इनटू एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल। हाँ, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो तो क्या आएगा 2x क्यूब, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। मेरे को अपने टेस्ट में या मेरे को मेरे पेपर में या मेरे को मेरे स्टूडेंट के अंदर बस ये स्टेप सॉल्व करना आना चाहिए, इसके बाद कोई टेंशन नहीं। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, तो मैं अपने मन से क्वेश्चन बनाया जा रहा हूं ना, क्वेश्चन ऐसे थोड़ा आते हैं, क्वेश्चन छोटे आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बेसिक आता है। हम तो इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कल को हमारा अगर लेवल ऊपर नीचे होता है फिजिक्स में तो हमें पता है कि कैलकुलस को कैसे हैंडल करना है। हम अपना सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यहां तक छोड़ दोगे 24, तो यहां तक ये स्टेप यहां तक क्लियर है जहां तक मैंने इस बोर्ड पर किया, ठीक है यहां तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दो ना, ना ऐसी छोड़ दो। चेक कौन कर रहा है? कोई नहीं, आपने करना है आप करते रहो, लेकिन मैंने वो क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन जो है वो बहुत बेसिक लेवल के आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये सिर्फ एलजेब्रा की और ये सिर्फ एक एक ऐसा बोल सकते हैं वार्म अप एक्सरसाइज है। अब खेलना तो क्रिकेट है लेकिन ग्राउंड के चक्कर क्यों कटवाते हैं? तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि वार्म अप कर रहे हैं, हाथ तेज कर रहे हैं और ताकि हमें वहां पर कोई दिक्कत ना आए, आपको पता लग जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। तो क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज d by dx ऑफ 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। मैंने ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करवाए, मैंने क्या कहा था 7 को कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, याद है? मैंने ऐसे करके दिखाया था, मैंने कहा था इसको मन में ऐसे मान लिया करो d by dx ऑफ 7 इंटू 1 बाय x स्क्वायर, ये करवाया था ना, और मैंने कहा था 7 कांस्टेंट है बाहर आ गया तो d by dx ऑफ क्या बच गया 1 by x square। तो मैंने कहा था कि d by dx ऑफ क्या कर सकते हैं x की पावर माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा 7 into माइनस 2 x की पावर कितनी माइनस 3, यही आएगा। पर इसको ऐसे ना करना, आप इसे u by v से करना, नहीं ऐसे कर सकते हैं, गलती नहीं है, आंसर यही आएगा इसमें भी। ऐसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था जब मैंने आपको u by v का फॉर्मूला नहीं करवाया था, अब मैंने आपको u by v का फॉर्मूला करवा दिया। अब लगाओ, इसको मानो u, इसको मान लो u और इसको मान लो v, अब करो स्टार्ट। वो अलग बात है कि आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं 7 कांस्टेंट बाहर ही निकाला करोगे, आप आसान करोगे, मुश्किल क्यों करोगे? पर कभी कभी स्टूडेंट को नहीं दिखता, भूल जाता है कांस्टेंट बाहर है, तो u by v लगा लो, कोई बात नहीं।
ओके अच्छा मैं चेक कर लूं, एक मिनट मैं खुद एक बार सॉल्व कर लूं फिर देखता हूं। ये लो, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप सबने लगा लिया। नेक्स्ट, इस ये कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? चलो ये टर्म तो उड़ गई पूरी की पूरी, खत्म कर दें इसे। माइनस सेवन इंटू पावर रूल, पावर क्या है? टू, एक्स की पावर क्या हो जाएगी? वन, डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू पावर कितना? फोर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, इधर भी क्लियर है? तो इसमें माइनस 14 और एक्स ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? एक्स की पावर 3 आंसर। तो कितने लोगों का आ गया था? ये आ गया था। और समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी आया, क्लियर है कैसे लग रहा है ये फॉर्मूला? तो यू बाई वी का फॉर्मूला कुछ भी नहीं करना, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का फॉर्मूला लगाना है, उसको लगा। आज की जो हमारा सेशन है और प्लस आज जो होमवर्क मिलेगा वो यू इंटू वी, यू अपॉन वी, जितना आज हमने यहां तक किया इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस करके आना बस। तो वहां से उस प्रैक्टिस से आपकी डिफ्रेंसिएशन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी उस असाइनमेंट को करने के बाद, और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि घर में जब बैठ के करते हैं ना, तो मतलब दिमाग सही काम करता है। ठीक है यहां तक? तो यहां तो चलो ठीक है, कर ही रहे, पर उसमें और क्वेश्चन होंगे तो आपको और मजा आएगा उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना प्लीज। ये लो, डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स यू वी, करो स्टार्ट। ये यू और ये वी ले लिया, तो पहला स्टेप आप चेक कर सकते हो, कहीं पहले स्टेप में गलती तो नहीं है। वन बाय रूट एक्स इंटू डी बाय डी एक्स, बोलो क्या आएगा? रूट एक्स माइनस रूट एक्स इंटू डी बाय डी एक्स क्या आएगा? वन प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबने लिखा? ठीक है यहां तक? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, वन प्लस रूट एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितनी है? हाफ, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, प्लस है ना बीच में, प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है? रेज टू पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब हाफ, डिवाइडेड बाय वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? कुछ भी नहीं किया, इसको हाफ लिखा है, और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म को एक्स की पावर हाफ कर लिया। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है संचित? यस सर। सरताज? यस सर। आकर्ष? हाँ जी। ठीक है शिवांशी? ठीक है शिवांशी? यस यस। ठीक है, तो इसमें ये लो, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे? अब रूल लगाते हैं। क्या रूल लगाते हैं? वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू पावर रूल हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस वन, क्या होता है? माइनस हाफ, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ।
माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स इनटू कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो और इसकी डिफरेंशिएशन हाफ इनटू एक्स की पावर कितनी माइनस बताया था ना हाफ नीचे एक्स की पावर एक कम हाफ माइनस वन क्या होता है माइनस हाफ कोई डाउट इसमें डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्लियर है तो मैंने अपने क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन सारी की सारी सॉल्व कर दी अब ये तो अलजेब्रा है ना इसको आगे सॉल्व करना मेरी तरफ से यहीं तक छोड़ दो मेरे को तब भी चलेगा मेरे को सिर्फ ये देखना है क्या आपको u by v का फॉर्मूला लगाना आया फिर u by v फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आप ये फर्दर ये स्टेप कर पा रहे हो इसके बाद आंसर तो मुझे देखना ही नहीं है मैंने बताया क्योंकि आंसर तो पूछ कौन रहा है आपसे कोई भी नहीं वो तो मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूं इतने कॉम्प्लेक्स तो बड़े क्वेश्चन थोड़े ना आते हैं बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि मेरे को ये देखना है कि u by v और पावर रूल सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे बस ये मेरा काम है ठीक है यहां तक तो कई लोग टेंस हो जाते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो कोई टेंशन नहीं आपको किताब के अंदर तो ये इतने कैलकुलस गिवन भी नहीं होगा जितना मैं आपको करवा रहा हूँ किताब में तो एक फॉर्मूला की लिस्ट है बस वो मेन तो पावर रूल ही चलते हैं और यू बाई वी और यू इन टू वी का रूल ही चलता है ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन चलती है अभी हम सॉल्व करेंगे साइन एक्स कॉस एक्स की इतना की बेसिक चलता है बट आपका हाथ तेज चलना चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ तक तो इसके बेस पे और क्वेश्चन करते हैं ठीक है ओके क्वेश्चन इज d by dx of 7x divided by 2x square plus 1 ये लो कर रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं तो एक काम करते हैं डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ठीक डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या ये स्टेप सबको समझ में आया सबने किया ये इसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब अगर दिक्कत होगी तो या तो पुराने डिफरेंशिएशन में होगी या एलजेब्रा में होगी तो कैसे कई लोग मैंने देखा और बहुत कॉमन मिस्टेक है ब्रैकेट नहीं लगाते ऐसे ही लगाते हैं 2x² + 1 उनका क्वेश्चन तो पक्का गलत होगा क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये पूरा का पूरा 2x² + 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप यहां ब्रैकेट जरूर लगाएं कि 2x² + 1 और यहां से 7 कांस्टेंट बाहर आ गया और क्या बचा dx by dx ऐसे होगा ना 7 into x में 7 कांस्टेंट बाहर आ गया और dx by dx is 1 माइनस
7x इनटू, अब ये प्लस आ गया तो d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? सबने किया ये राइट? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट में 2x² + 1 इंटू 7 dx बाय dx क्या होता है बोलो? 1, छोड़ दें इसे, माइनस 7x इंटू, देखो ये 2 जो है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट कहां आ गया? बाहर। तो क्या बचा? d बाय dx ऑफ कितना? x स्क्वायर, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0 डिवाइडेड बाय 2x² + 1 का होल स्क्वायर। क्या स्टेप भी क्लियर है? ठीक है यहां तक? देखो मैं कोई नया रूल नहीं कर रहा, मैं अपने पुराने रूल्स को ही अप्लाई करता जा रहा हूं। तो इस ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया ना, जिसमें 2 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0 राइट। तो इसमें लास्ट है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे लास्ट, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप 1 × 7 7 कर देंगे, ये गलती है। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई, और फर्क है ना ब्रैकेट लगाने और ना लगाने में, ब्रैकेट जरूर लगाएं। तो 2x² + 1 × 7 माइनस 7x इंटू 2 इंटू, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी? 2 × x^1 डिवाइडेड बाय 2x² + 1 का होल स्क्वायर। मेरा काम था डिफरेंशिएशन को खत्म करना, अब ठीक है यहां तक छोड़ दोगे तब भी चलेगा, सिंपलीफाई करोगे तब भी चलेगा, कम से कम आपके फाइनल आंसर में d बाय dx बचना नहीं चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो स्टेप समझ में आ रहे हैं, और ये तो समझ में आ ही गया होगा, सारा गेम ही प्रैक्टिस का है, और है क्या? अब वो तो गई ना साइंस, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, आप पैराग्राफ लिख रहे हो, मेडिटेट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन इज फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, कहा है डेफिनेशन? कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल है सारा, आपको मोशन चैप्टर क्या याद करने को थोड़ा आएगा, प्रैक्टिकल है सारा का सारा। तो यही मजे की बात है, अगर आपको पूरा समझ में आ रहा है आप अप्लाई कर पाएंगे, आपका आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? तो मैं मोशन चैप्टर लगा के दिखाऊंगा और फोर्थ चैप्टर हर चैप्टर में लगा के दिखाऊंगा, बस आप इसकी खूब प्रैक्टिस करना। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, और लिखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि सपोज एक बकेट है, ठीक है, पानी भर रहा है, बाल्टी में पानी भर रहा है, बाल्टी में पानी कैसे भर रहा है? सच दैट जो वॉल्यूम है वी, वो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम वी कैसे दिया मैंने आपको? टी डिवाइडेड बाय टी प्लस, या टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी प्लस 1। तो यानी कि वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। टाइम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, 1 सेकेंड पुट करेंगे तो वॉल्यूम कुछ और आएगा, तो बाल्टी में वॉल्यूम वी आ जाएगा। 2 सेकेंड पुट करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 3 पुट करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यानी कि बाल्टी में जो पानी भर रहा है उसका जो वॉल्यूम है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो ये वी की वैल्यू है। तो आपको ये बताना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब देखो ध्यान से, वी दे दिया उसने टाइम के साथ, क्या पूछा? रेट ऑफ चेंज ऑफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ का दूसरा नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। तो यानी कि किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है? वॉल्यूम का। तो किसको डिफरेंशिएट करना है? वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू, तो बोलो क्या निकालना है? डी वी बाय डी टी। समझ में आया? और ये टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड एंड में पुट करेंगे, पहले निकलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालें पहले। तो एक काम करें, इसमें डी बाय डी टी ऑफ इस वॉल्यूम की जगह आप पुट क्या करेंगे? टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी प्लस 1। अब क्या लगेगा? यू बाय वी का फॉर्मूला। सॉल्व करें पहले, फिर एंड में टाइम को टी 1 पुट करेंगे बाद में, फिर सॉल्व करें इसे।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकाल लें। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ रही है कैसे पूछी जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है? डिफरेंशिएशन किसकी? v की। तो डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv बाई dt, विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv बाई dt। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या क्या हुआ ये? यार ये हो क्या रहा है? ठीक है यहां तक देखो, तो इसमें dv by dt को हम कैलकुलेट करेंगे यहां से, इसको क्या मानेंगे? u, इसको क्या मानेंगे? u, इसको क्या मानेंगे? v, तो v into d by dt of numerator minus numerator into d by dt of denominator डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या ये सबने किया? ठीक है यहां तक? ठीक, इसमें इसके अंदर टी प्लस वन इंटू इसकी डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगी? टू इंटू टी की पावर वन माइनस टी स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ डी मल्टीप्लाई करेंगे डी टी बाई डी टी क्या आएगा? वन, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? जीरो। मैंने ओरली कर दिया इसे, समझ में आ रहा है ना? डी इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी टी बाई डी टी क्या होगा? वन, और डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? जीरो। तो क्लियर है वन प्लस जीरो? ठीक है यहां तक? डिवाइडेड बाय टी प्लस वन का होल स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? टू टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक? और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस टू टी डिवाइडेड बाय टी प्लस वन का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या निकाल दिया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आंसर आ गया। पर उसने एंड में पूछा कि रेट ऑफ चेंज निकाल लो, मैंने निकाल दिया। उसने कहा मुझे आंसर दो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ की ये वैल्यू कितनी होगी, कब, जब टाइम कितना है? वन सेकेंड। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इसमें एंड में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम स्मॉल टी को क्या पुट कर देना है? वन। तो इसमें पुट करें तो वन पुट करेंगे तो वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन का होल स्क्वायर, जो भी आएगा ये आंसर आएगा, न्यूमेरिकल निकाल लेना। थ्री बाय फोर, ओके, थ्री बाय फोर। और क्योंकि वॉल्यूम यूनिट्स क्या आएंगे? मान लो वॉल्यूम के यूनिट मीटर क्यूब है, तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे? मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? डी वी बाय डी टी, यानी कि वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होंगे? मीटर क्यूब, और टाइम के क्या होंगे? सेकेंड। वो अगर सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और अगर मीटर गिवन है तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, वो अलग बात है। आपको निकालना आ गया कि एंड ये टर्म निकलेगा कैसे? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक तो बढ़िया है, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें रेट ऑफ चेंज निकालते रहेंगे बस। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करेंगे, एक नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज
डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब देखो अब क्या स्टार्ट हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। अब ये एक्स में खेल चल रहा था, अब किस में चलेगा, साइन एक्स कॉस एक्स में चलेगा। तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। साइन एक्स के अंदर ये एक्स क्या होता है, साइन का एंगल, एंगल होता है ना एंगल, साइन ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला इज कॉस ऑफ एक्स, कुछ भी नहीं करना, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन इज कॉस ऑफ एक्स। तो अगर जो भी यहां पर एंगल गिवन होगा, आप सोचोगे 30 डिग्री गिवन होगा, अच्छा चलो अगर मान लो एंगल एक्स 30 डिग्री है तो बोला आंसर क्या होगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री। गलत भाई, जब मैंने यहां पर 30 पुट कर दिया, साइन 30 कितना होता है 1/2, इट्स अ कांस्टेंट, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो वो आपको एंगल देगा ही नहीं इसमें, अगर एंगल ही दे दिया फिर तो कॉन्स्टेंट दे दिया, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन तो वैसे ही जीरो, तो वो आपको एंगल नहीं देगा, आपको एक्स की टर्म में बोलेगा, तो वो आपको एंगल कभी नहीं देगा, आपको एक्स वेरिएबल की टर्म में देगा, बिकॉज एक्स इज अ वेरिएबल और वेरिएबल की डिफरेंशिएशन कभी जीरो नहीं होती, तो इसलिए एक्स की फॉर्म में ही आएगा। तो जो भी अगर एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, जेड है तो सेट, क्लियर है। अब यहां पर एंगल क्या है, एक्स, यहां पर भी एंगल क्या है, एक्स। एक चीज आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, वो क्या, जो भी एंगल है, जो भी अंदर एंगल है वो एंड में ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो अलग बात है, इसकी वैल्यू भी वन है, dx by dx is one। वो याद है, वो पहले भी हाथ रखो पावर पे, dx by dx further derivative जिसको बोलते हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा, इरिटेट करता है, आप कर नहीं सकते। तो क्या करना है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, और जो भी अंदर का एंगल है वो अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी एक्स है, वो अलग बात है, dx by dx is one। अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर है, अब ये वन नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, करके दिखाता हूं, एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, बोलो आंसर क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, एंगल को अलग से करना पड़ेगा, तो आंसर पता है क्या आएगा, कॉस ऑफ x square, इसकी differentiation 2 into x की power 1, तो x square into 2x is 2x का cube, शाबाश। गलत, angle भी कभी multiply होते हैं ऐसे, ये तो bracket है, ये cos of 60 degree को 2 से multiply करूंगा, cos of 120 हो जाएगा, नहीं, ये पूरी term, इस पूरी term से multiply हो, इसको आगे रखो, 2x into cos of x square, answer, multiply मत करना angle के साथ, angle को angle, वो bracket के अंदर है, answer, लिख लो यार, स्टेप में डाउट, इसकी प्रैक्टिस करते हैं अभी, और क्वेश्चंस करते हैं, आप लिखना ये लिख लो अभी, और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ऑनलाइन वालों को क्लियर है, yes. यहां तक छोड़ देना आपने आंसर, आप अपने आंसर को यहां तक छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर x की फॉर्म में चलेगा, 60 डिग्री 30 डिग्री कोई ना चलता। आपको कि ये कैसी ट्रिग्नोमेट्री और ये कैसा फिजिक्स है, क्योंकि वो क्या करेगा, ध्यान से देखो, वो कहेगा मैंने एक कोई भी मैंने एक बिल्डिंग को देखना शुरू किया, बिल्डिंग बहुत ऊंची थी और ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल था, तो जब मैं बिल्डिंग को देख रहा था तो मैं अपने गर्दन ऊपर कर रहा था, तो एंगल मेरा एलिवेशन का बढ़ता जा रहा है, एक्स इज वेरिएबल, फाइंड रेट ऑफ चेंज, कितने रेट ऑफ चेंज से एंगल चेंज हो रहा है जिसे मैं देख रहा हूं, कांस्टेंट नहीं ना, 60 के बाद 70 भी आया होगा, 80 भी आया होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, एंगल को देखने का एंगल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं तेज देख रहा हूं
तो मेरा एंगल dx by dt, ये जो मेरा एंगल का जो जो रेट ऑफ चेंज है वो बढ़ जाएगा, और अगर मैं स्लो देख रहा हूं तो मेरा रेट ऑफ चेंज कम आएगा। तो अब समझ में आया एंगल कॉन्स्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल तो मैं देखने में क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? आपने बहुत सारे कैमरा देखे होंगे, उनमें से ये कैमरा भी एक कैमरा है। जब मैं इस कैमरा को ऑन करता हूं ना, जो यहां लगा हुआ है, तो ये पीटीजेड कैमरा है। ये क्या करता है, ये पूरी क्लास को पहले एक बार जब ऑन करके दिखाऊंगा तो घुमाएगा, ये पूरा घूमता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि कितने रेट ऑफ चेंज से ये पूरी क्लास को देख सकता है, रोटेशन की स्पीड कितनी है इसकी। क्योंकि अगर नॉर्मल कैमरा क्या करेगा, स्लो घूमेगा तो आराम से स्कैन करेगा, बढ़िया कैमरा क्या करेगा, तेज भी घूमेगा और सारी फोटो भी ले लेगा। अब देखो बढ़िया कैमरा क्या करेगा, तेज भी काम कर रहा है और काम भी एक्यूरेसी से कर रहा है। तो देखो फिजिक्स काम आ रही है ना, रेट ऑफ चेंज, तो ये सब बनाते हुए सब स्टडी किया जाता है, रेट ऑफ चेंज कितना है, घूमने का रेट क्या होगा, एंगल जो कवर करेगा ये पूरे 360 डिग्री कितनी तेज कवर करेगा, ऐसे वेरिएबल एंगल्स आएंगे, हम इसको स्टडी करेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वो ये वाला क्यों लिया मैं समझा नहीं, ये क्या किया इसमें, ये तो पावर नहीं समझा नहीं मैं, ये स्टेप क्लियर है ये कैसे, अच्छा ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। मेरा फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास, ठीक है, मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर ये एंगल साइन ऑफ एक्स एंगल है तो कॉस के आगे भी क्या आएगा, सेम एक्स आ जाएगा, और डी वाई डी एक्स के आगे भी सेम एंगल आएगा। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, ये तो फॉर्मूला है, ये जो है ये तो फॉर्मूला है, ये मेरा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या लिया, अगर मैं साइन की जगह एक्स स्क्वायर लूंगा तो कॉस के अंदर भी एक्स स्क्वायर आएगा, और यहां पर भी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें पावर रूल लगेगा, 2 इंटू एक्स की पावर 1 आंसर आएगा। फिर लेते हैं, चलो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ये लो आप खुद करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन इज एग्जाम्पल है ये, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एंगल मैंने चेंज कर दिया, मैंने एंगल क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है यहां तक। तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स, तो यहां पर क्या आएगी, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंगल को तो चेंज ही नहीं करना ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल गिव कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ, एंगल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये स्टेप क्लियर है, तो यहां पर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो आएगा ही। अब ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 1, ठीक है, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, 2 इंटू एक्स की पावर 1, और इसकी क्या है, 0 आंसर। छोड़ दो यहीं तक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया कि जो जो अंदर एंगल चेंज हो रहे होंगे, यहां पर भी वो एंगल, यहां भी वो एंगल और यहां भी वो एंगल, डन, बाकी क्वेश्चन पुराना है। तो पहला स्टेप क्लियर है, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, क्लियर है यहां तक? तो एक और क्वेश्चन करें, ठीक, तो एग्जांपल करो प्लीज, एक और क्वेश्चन इज, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, इसके अंदर आप देखेंगे कि
ये जो साइन का ये पूरे का पूरा क्या है एंगल, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर कॉस ऑफ पूरे का पूरा क्या आएगा एंगल, क्या ये स्टेप क्लियर है, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ ये पूरे का पूरा एंगल यहां भी आएगा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, सेम एंगल सेम एंगल सेम एंगल, तो यहां से कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इनटू, अब देखो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, यू अपॉन वी से होगा, तो आप इसको अपने मन में क्या मानेंगे यू और इसको क्या मानेंगे वी, तो क्या आएगा एक्स प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्या ये स्टेप सबने किया, क्या ये पॉइंट, देखो ये तो पुराना क्वेश्चन है ना, तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है सबको यहां तक क्लियर है, ठीक ठीक है, तो इसमें इसको टच नहीं करना, कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन एज इट इज इनटू इनटू एक्स प्लस वन इनटू डीएक्स बाय डीएक्स क्या होता है वन माइनस एक्स इनटू, एक बात बताओ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डीएक्स बाय डीएक्स जो कि क्या होगा वन, और कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी जीरो डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये टर्म क्या आ जाएगी वन और ये टर्म क्या आएगी, दिस इज द आंसर, सिंपलीफाई इसको मल्टीप्लाई मत करना ऐसे छोड़ देना चाहिए, तो आपको मेथड समझ में आया, खेल तो यू बाई वी के फॉर्मूला का है, खेल तो पावर रूल का ही है, तो कुछ भी नहीं करना, एक साइन बीच में फिट कर दिया, बाकी सब पुराने क्वेश्चन है, तो यही तो कह रहा था मैं, तो पहले चार फॉर्मूला जिसको आ गए तो उसको क्या दिक्कत है, उसको तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला आ गया, यू इंटू वी का फॉर्मूला आ गया, कॉस ने क्या साइन ने क्या किया कुछ भी नहीं, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन ही चल रहे हैं, तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें क्लियर है, ठीक हाँ हो जाएगा, चाहिए ही नहीं, ये तो मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूं तो उल्टे सीधे बने जा रहे हैं, इतना ऐसे क्वेश्चन नहीं आने, डोंट वरी, ऐसा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, पता क्या आएगा आपको, लग ये आएगा नहीं आएगा, पता क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना है कॉस एक्स, इतना ही आएगा, कोई ये नहीं आएगा, ये तो मैं आपको ज्यादा करवा रहा हूं ताकि हर एंगल से हम अपनी प्रैक्टिस को कम ना करें, राइट, तो ये ज्यादा कर रहे हैं, इतनी डिफ्रेंसिएशन की जरूरत पड़ती नहीं है, बोला ना साइन एक्स की आएगी तो लिख देना कॉस एक्स, इतना ही आता है कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, या एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स की आ जाएगी, बहुत बड़े बड़े कैलकुलस रेयर क्वेश्चन में यूज होते हैं, जब हम एडवांस की तरफ जाते हैं उसमें ज्यादा यूज होते हैं, पर एडवांस में जाने के लिए क्या प्रॉब्लम है कि तब तक मैथ्स के लोग मैथ्स के टीचर दो महीने तीन महीने का कैलकुलस उस टाइम करवा देते हैं, तो फिजिक्स वालों को वो भी जरूरत नहीं पड़ती कि बच्चा वो खुद ही एक्सपर्ट हो जाता है, तो हमारा काम यहाँ पर क्या है बेसिक कैलकुलस करके फिजिक्स को स्टार्ट करना, वो धीरे धीरे फिजिक्स के अंदर ही इतना कैलकुलस यूज हो जाएगा आपकी डेली प्रैक्टिस से ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है यहां तक, तो एक और फॉर्मूला लिखें प्लीज, फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो आंसर इज माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, देखो साइन एक्स की क्या होती है कॉस एक्स, कॉस एक्स की क्या होती है माइनस साइन एक्स, अब ये ऐसा क्यों हुआ ये मैथ्स वाले जाने उन्होंने कैसे बनाया, अपने काम है फॉर्मूले याद करके फिजिक्स स्टार्ट करना, ठीक है यहां तक, तो हम इसके प्रूफ नहीं कर रहे हैं फॉर्मूला कर रहे हैं, दिस इज अ फॉर्मूला और रूल वही है, ये जो एंगल है वो यहां आएगा और ये एंगल यहां भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ कितना एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बोलो क्या एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कितना टू इंटू एक्स की पावर वन, दिस द आंसर, ये तो सेम है, अगर साइन एक्स का आ गया तो ऑटोमेटिकली कॉस एक्स का भी आ गया, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, थैंक यू भैया, टाइम ठीक है मेरी घड़ी, ओके क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक,
कोई डाउट इसमें? तो एक क्वेश्चन कर दूं, करोगे सॉल्व? करें, ये क्लियर है? साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का हो गया, ये लो एक क्वेश्चन सॉल्व करो. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस एक्स, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. ठीक है यहां तक? क्या लगाओगे? U अपॉन, आप कुछ कर नहीं सकते हो, डिवीजन हो रही है, सीधा मत लगा देना. डी बाई डी साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे भी तो देखो क्या चल रहा है. तो ये डिवाइड हो रही है दो टर्म्स, तो ये U बनेगा और ये V बनेगा. फिर लगेंगे आगे फॉर्मूला, शुरू करो. हाँ वो देखेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप लो, पहले फर्स्ट स्टेप लो. पहले स्टेप के अंदर ये लो, पहले स्टेप के अंदर क्या करोगे, इसमें इसको u मानो और इसको v मानो. तो क्या स्टेप आएगा? 1 प्लस cos ऑफ x डिनोमिनेटर इनटू d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. ये देखो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. कोई डाउट इसमें? सही है? और कोई तरीका था भी क्या? यू पॉन वी का ही तो तरीका था. समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो ये स्टेप क्लियर है सबको? ठीक, सही है? देख लो, डिनोमिनेटर इंटू, ये देखो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स, वो तो यू अपॉन वी में माइनस आता है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक, अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया. ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? वन प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ऐसे लिख देते हैं, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. ठीक, माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ऐसे करेंगे ना, डी बाई डी एक्स ऑफ मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस एक्स का होल स्क्वायर. करना जरा सिंप्लीफाई से करो ट्राई. बोलो जरूरत क्या है? तो यहां तक सबको क्लियर है? कोई स्टेप इसमें? तो मैंने इसमें डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. फिर मैंने क्या किया, इसको तो चलो अभी करूंगा बाद में डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म. ये भी स्टेप क्लियर है? ठीक. और नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप वन प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू, बोलो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos x into dx by dx क्या होता है? क्योंकि अंदर x है तो dx by dx लिखने की जरूरत ही नहीं है. माइनस sin x into constant की डिफरेंशिएशन इज, ओ constant डिफरेंशिएशन इज, constant डिफरेंशिएशन इज जीरो जीरो. ठीक, और cos x की माइनस sin x, ऐसे छोड़ दो. डिवाइडेड बाय वन प्लस cos x का होल छोड़ दो,
मैं एज अ टीचर कह रहा हूँ छोड़ दो, कोई स्ट्रेस ना लो, सिंप्लीफाई करके क्या होगा, इसे ओपन कर दें, चाहिए किसे? ऐसा क्वेश्चन पूछ कौन रहा है? मैं तो आपसे वैसे ही पूछ रहा हूं कि यू अपॉन वी लगाना आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन आ गई, अब क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर कैसे करना है? तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा अभी घर के लिए, तो आपने वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक?